आज बस बैठ के बारिश के मजे लेने थे, साथ में पकौड़ी चाउमीन खानी थी, कोरियन चिली पोटैटो नूडल्स मंगाने का सोचा, तो सारी चीजें 250 रुपए से ऊपर से रेंज चार्ज लगाते हैं वो अलग, अब 250 रुपए की चिली पोटैटो भी 400 रुपए की बिठा दी, अब क्या खुद ही बनाना पड़ेगा। तो चिप्स वाले आलू 5 रुपए के आधे किलो आ गए, छीला छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उबलते पानी में नमक डाल के हल्का सा सॉफ्ट होने तक उबाल के पानी से निकाल लिया। 80 रुपए का 200 ग्राम पोटैटो स्टार्च लिया, आलू पिचका के बिल्कुल बारीक पीस दो, अब डालना है पोटैटो स्टार्च, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करो, बस इतना ही पानी डालना जितना अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर छोटी छोटी क्रैक बॉल्स बनाकर बॉटल के मुंह से पिचका दो, सारे ऐसे ही करके उबलते पानी में डालो, 2 मिनट 30 सेकंड बॉईल करके निकालो, तुरंत बर्फ के ठंडे पानी में डालो, 5 सेकंड छोड़ के पानी से निकालो, कितने ज्यादा चीवी स्ट्रेची बने हैं यार ये। अब तड़का लगाते हैं, 2 रुपए की स्प्रिंग ऑनियन, 2 रुपए की लहसुन, 2 रुपए की बारीक वाली चीनी, 2 रुपए की लाइट सोया सॉस, 2 रुपए की लाल मिर्च, 10 रुपए का गर्मा गर्म तेल का तड़का लगा के अच्छे से मिक्स करा, स्प्रिंकल करके वाओ क्या मजेदार चीवी नूडल्स हैं, सही है बॉस। कमेंट में बताओ मुझे ये चीवी पोटैटो नूडल्स कितने की पड़ गई, मेरी मेहनत के पैसे भी जोड़ लेना यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना।